इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप अपनी पोस्ट को शेड्यूल करते हो तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अपनी पोस्ट को कैसे शेड्यूल करना है मोबाइल फ़ोन से इंस्टाग्राम की। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हम लोग लॉग इन करेंगे तो हमारा अकाउंट हैक ना हो जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐप बताने वाला हूँ जिसको खुद मेटा ओन करता है, जिसमें कि आप अपनी इंस्टाग्राम की प्लस अपनी फेसबुक की पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। तो ये एक ऐप है फेसबुक बिजनेस सूट, ये ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके इसको डाउनलोड कर लो। एंड मैं इसको आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें आपको पोस्ट को अपनी शेड्यूल करना कैसे है। तो बहुत सिंपल है, जब ये ऐप ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेरा ब्रांड है लहलेबाज, उसको मैंने यहाँ लॉगिन करके रखा हुआ है एंड मैं उसकी पोस्ट को यहीं से शेड्यूल करता हूँ। तो बहुत बेसिक सा होता है, इसमें नीचे प्लस का लोगो होता है, प्लस का यहाँ पे साइन है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे ये पोस्ट अपलोड करने का मुझे ऑप्शन दे देता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जा रहा है पोस्ट अपलोड करना, स्टोरी अपलोड करना, लाइव आना, सब कुछ। तो आप यहाँ पे अपनी स्टोरी को भी शेड्यूल कर सकते हो, पोस्ट को भी कर सकते हो, लाइव को भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग एक पोस्ट को शेड्यूल करके देखते हैं। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे फेसबुक में आ जाता है पोस्ट अपलोड करने का ऑप्शन, वैसा आ जाएगा यहाँ पे। और आपको यहाँ फोटो में क्लिक करके अपनी कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फोटो को चूज़ करता हूँ, जैसे कि ये फोटो को मैंने चूज़ कर लिया, इसको चूज़ कर लिया, अच्छी फोटोज़ हैं एंड मैंने इसको डन कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फोटोज़ आ चुकी हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन आता है कि हम सिर्फ फेसबुक पे या फोटो को भी अपलोड कर सकते हैं, सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है तो यहाँ मैं फेसबुक को अनटिक कर दूंगा और डन दबा दूंगा। और हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं लोकेशन लगाने का, लोगों को टैग करने का, और फोटोज़ ऐड करने का, या फिर कैप्शन यहीं से लिखने का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी कैप्शन लिख देता हूँ, जैसे हे लिख दिया मैंने। और जैसे ही मैं यहाँ नेक्स्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रीव्यू आने लगा पोस्ट का कि ये इंस्टाग्राम पे कैसे दिखने वाली है। तो ऐसी फ़ोटो रहेगी, नीचे कैप्शन पे हे रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पब्लिश नाउ का और शेड्यूल फॉर लेटर का। तो हम इसको शेड्यूल फॉर लेटर में सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे हमें आ जाएगा डेट प्लस टाइम कि हमें इसको कब के लिए शेड्यूल करना है। मान के चलो मैं इसको आज ही शेड्यूल करता हूँ, अभी से 15 मिनट बाद के लिए 6:30 बजे ये पोस्ट अपलोड होने वाली है। तो मैंने इसको यहाँ पे डन कर दिया। तो ये शेड्यूल हो गई है फ्राइडे 14 जनवरी 6:30 बजे के लिए। और यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ शेड्यूल में क्लिक कर दूंगा। और ये जो पोस्ट है आपके इंस्टाग्राम का यहाँ पे प्लानर है, इस कैलेंडर में यहाँ पे शो करने लगेगा कि 14 को आपने एक पोस्ट शेड्यूल की है। ऐसे आप चाहें तो अपनी हर डेट के लिए अलग अलग पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो अपने प्लानर पे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कैसे शार्प फोटोज़ को अपलोड कर सकते हो एंड कैसे शार्प फोटोज़ को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रही होगी, जाके आप देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ लाइक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।